बहुत सुन रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। Here is another mask for me. Actually में मेरे साथ ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है वेनसडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 8 बज चुके हैं और अभी आज नहीं आएंगे, वो बिजी हैं बहुत काम में और मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं खाया है। 8 बज चुके हैं, आज लेट हो गई है, मुझे भी भूख है नहीं। आफ्टरनून में आज दाल और कोकी बनाई थी मैंने, तो कोकी खाने की वजह से मेरा पेट एकदम भरा पड़ा है, तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। तभी भी हबी का अभी वीडियो कॉलिंग आया, वीडियो कॉलिंग पे बात की उन्होंने, नहीं आते हैं ना तो वीडियो कॉलिंग पे बात कर लेते हैं, बोलते नाश्ता अभी तक नहीं खा रही है। मैंने बोला भूख नहीं है, कोकी वगैरह खाया है तो पेट भरा पड़ा है, तो थोड़ी देर रख के खाऊंगी। और हेल्थ का भी तो अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, एक दो दिन से जैसे हेल्थ का इशू चल रहा था तो अब तो थोड़ा ठीक है, आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। आज कामकाज भी किया है थोड़ा, बेडशीट्स वगैरह की सब फर्नीचर वगैरह किया, तो थोड़ा यहाँ का ही किया है, बेडरूम में फर्नीचर वगैरह नहीं किया, ओनली बेडशीट करके आई हूँ वहाँ पे, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आज मैंने काम भी किया है, कोकी भी बनाई, थोड़ा बहुत काम हो गया है आज मेरे से, नहीं तो दो दिन से कुछ काम नहीं कर रही थी। खाना भी रात में बाहर से ही आया, दोनों दिन ऐसा हुआ है। आफ्टरनून में काजल बना रही थी और रात को बाहर से, बाकी तो पूरा काजल ही कर रही थी, तो एक टाइम में बाहर से मंगा रही थी, दोनों दिन ऐसा हुआ है, इतना गिर गई थी, बापरे बीमार। तो अभी तो थोड़ा आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक है। क्लाइमेट भी कैसा है, कभी ठंडी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, कभी तो इतनी गर्मी हो रही है फैन चालू करके बैठ रहे हूँ, कभी इतनी ठंड हो रही है फिर फैन बंद करें, मिक्स क्लाइमेट चल रहा है, ठंडी गर्मी दोनों साथ में भगवान ने कंफ्यूज कर दिया है। तो अभी मैं फटाफट से थोड़ा फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। किचन में चाय बनाने के लिए अटेंसेस भी लगाने हैं मुझे, चाय पी के थोड़े अटेंसेस लगा लूंगी, फिर अभी को पूछूंगी खाना क्या खाएंगे, 9:15 तो बज रहे। काजल वीडियो कल का चेक कर रही थी, वीडियो जो कल मैंने ब्लॉग निकाला है वो थोड़ा उसका एडिट हो गया, तो बैठ के चेक कर रही थी, मैं भी साथ में बैठ गई कल का देखने के लिए। कल तो हेल्थ का इशू था, मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बोला है क्या किया है, अभी बैठे में देख रही थी। एक दो दिन से ना बहुत लेट हो रही है, पूरा दिन काम भी स्लो स्लो हो रहा है मेरे से, बहुत स्लो कर रही हूँ, तो भी आज मैंने किया, फिर भी घर आज मैंने थोड़ा अरेंज किया है पूरा अच्छे से, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके थोड़ा किया है। ऐसा होता है एक दो दिन तबीयत ठीक नहीं हो ना, फिर मेरे से नहीं होता है। आज थोड़ा ठीक लग रहा था, मैंने बोला थोड़ा थोड़ा करती जाऊँ, हॉल का फर्नीचर वगैरह भी किया, बेडरूम का फर्नीचर तो नहीं किया, हॉल का हो गया। अभी अटेंसेस भी आज थोड़े ही है, फटाफट 5 मिनट में लग जाएंगे। अभी मैंने बोला थोड़ा चाय पी, उगा दी मम्मी 9 बज रहे, आप 9 बजे चाय पी रहे, खाना कभी खाएंगे, मैंने बोला पी रही हूँ, आदत है ना, तो थोड़ा सा ही चाय आधा कप ही भले पीऊँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। अभी भी आज तो आए नहीं नाश्ता वगैरह खाने, तो इन्होंने जो वहाँ पे फ्रूट वगैरह बोला, इन्होंने मैं खा लूंगा या कुछ समझ में आया तो लेके खा लूंगा, फिर अभी खाना पूछूंगी क्या खा रहे हैं क्या नहीं। आफ्टरनून में तो कोकी खाई है, अभी तो फिर लाइट ही खाएंगे, या तो पाव खाएंगे या तो राइस का कुछ बना लूंगी, तो अभी पूछूंगी मैं, थोड़ा टेंसिस वगैरह लगा लूं उसके बाद पूछूंगी। तो चाय भी मेरी बन चुकी है। Thank you.
दीदी आज मैंने 9:30 कर दिए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं काम कर रही हूँ, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए टाइम पे उठने बैठने और काम करने का। बहुत लेट हो चुकी है, तो अभी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे और चाय भी मैंने अभी पी ली, मुझे हैबिट है ना, तो रहा नहीं जाता। काजल बोला मम्मी इतना टाइम हो गया चाय पी रहे हो, मैंने बोला थोड़ा पी लेती हूँ नहीं तो फिर मुझे बैठना नहीं आएगा। तो आज तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, रिलैक्सिंग फील कर रही हूँ आज मैं। तो कितने दिन से मैं बोल रही हूँ वैक्सीन लगा के, हम काजल को भी बोल रही थी मैं अभी तो फाइनली लगाऊंगी वैक्सीन, क्यों तो अभी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में तो बहुत सुन रहे हैं, कुछ 21,000 ऐसे कुछ मैंने केस सुने हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। और स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिए यहाँ पे दोबारा से, तो पहले थोड़ा हुआ ऐसे 2 बरस लॉकडाउन हुआ, फिर बीच में सब नॉर्मल हो गया, मैं अलीबाग भी घूम के आई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब फिर वापस से सुन रहे लॉकडाउन करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, स्कूल कॉलेजेस तो बंद हो गए, बेचारे बच्चे भी तंग हो जाएंगे घर में बैठ बैठ के। वो थोड़ा अभी इतना वैसे क्या बच्चों को अच्छा नहीं लगता है स्कूल जाना, वह डेली उठ के हम लोग जाए, तो जैसे अभी 2 साल लॉकडाउन था तो बच्चे बेचारे तंग हो गए, अब खुशी खुशी से जा रहे थे, अब फिर से वो खुशी से जा रहे थे, फिर से अभी लॉकडाउन हो गया, अभी वापस से उनको घर में बैठना है, तो उनकी ना हैबिट भी उतरती जाएगी ऐसी कॉलेज स्कूल वगैरह जाने की। तो अभी ऐसे बार बार ऐसे हो रहा है, पता नहीं, बोल रहे ट्रेन भी बंद करेंगे, लॉकडाउन होगा, कितनी सारी मैं बातें सुन रही हूँ। और मेरा तो जैसे मैं बोल रही थी काजल को मैं वैक्सीन लगाऊंगी, अभी डॉक्टर के साथ भी उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी जैसे, तो डॉक्टर से मैंने दोबारा से कंफर्म किया, तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल लगा लो आप, तो टेबलेट्स वगैरह मैंने पूछी कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, तो खाली जो सैटरडे संडे मैं लेती हूँ, सैटरडे संडे मंडे, तो डॉक्टर ने बोला जो वैक्सीन जिस टाइम पर आप लगा रहे हो ना, तो वो वीक वाला सैटरडे संडे है ना, वो आप टैबलेट को स्किप करना, वो टाइम पे सैटरडे संडे वाली मुझे टैबलेट नहीं लेनी है, खाली वो स्किप करनी है, बाकी जो मैं जैसे डोजेस लेती हूँ वो सब मुझे कंटिन्यू रखने हैं। तो अभी पता चला ऐसा करना है मुझे, तो मैंने सोचा मैं अभी लगाऊंगी वैक्सीन, तो ये इशू हो गया मेरा। खाली वॉक करने क्या गई और डॉग से डर गई, तो उसमें मेरे पैर थोड़े ऐसे हो गया, कितना प्रॉब्लम हो गया, 2 दिन से पेन किलर ले रही हूँ, कल भी ली परसों भी ली, आज तो थोड़ा ठीक लग रहा है पर तभी भी थोड़ा माइनर ना, उठ के बैठ रही हूँ ना, जैसे ज़्यादा देर मैं बेड पे बैठी या सो के उठ रही हूँ ना तब पड़ रहा है, ऐसे चल रही हूँ तो बिल्कुल कुछ नहीं है, एक बार ही बैठी ना उसके बाद उठने से फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी पहले से बहुत ही अच्छा है आज, तो ये प्रॉब्लम हो गया। वही आज काजल को बोली थी, काजल मैं कितना बोल रही हूँ मैं वैक्सीन वगैरह लगा के आऊँ, तो यही प्रॉब्लम मेरा कुछ ना कुछ लगा पड़ा है, यही पेन हो रहा है, तो एक पेन में मैं दूसरा पेन कैसे अपना टॉलरेट कर सकूंगी, पहले एक पेन चल रहा है मेरा पैरों में, फिर अभी मैं दूसरा वैक्सीन लगा के आऊँ, तो मैं पता नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है वैक्सीन के बाद, मैं कितने दिन सोने वाली हूँ, कितना पेन मुझे होने वाला है, कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या होगा। मैं हिम्मत तो कर रही हूँ लगा के आऊँ, क्यों तो अभी 2 वैक्सीन तो कैसे भी करके, अभी की पूरी हो गई, सेकंड डोज भी पूरा हो गया, काजल का अभी पूरा होगा, काजल का भी अभी लगाने का वैक्सीन का सेकंड डोज का अभी टाइम आ गया है, तो काजल तो मेरी सिस्टर और जीजू के साथ वो लोग लेके गए थे काजल को, तो उनके साथ ही जाएगी लगाने, काजल का तो मुझे टेंशन ही नहीं, पहले भी उनके पास ही गई तो वहाँ से ही लगा के आई है, तो इस बार भी सेकंड डोज है तो मेरी सिस्टर के साथ ही जाएगी डोज लगाने सेकंड वाला, तो काजल का थोड़े दिनों में सेकंड डोज भी कंप्लीट होगा और इनका भी हो गया काजल का भी हो गया। बच गई मैं, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, जब भी सोच रही हूँ जब भी कुछ ना कुछ मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, या तो पेन हो रहा है या तो बीमार पड़ रही हूँ या तो कुछ बीमार पड़ रही हूँ ऐसा हो रहा है, तो या तो डॉक्टर से नहीं पूछा था ऐसा हो रहा था, अब तो मैं कैसे भी करके थोड़ा दिन मुझे लगेगा मैं ठीक हो जाऊँ, तो मैं कैसे भी करके लगा के आऊँ, क्यों तो कब कहीं पे जा ही नहीं सकूंगी, अभी मैं सब जगह सेकंड डोज पूछ रहे हैं, वैक्सीन वगैरह लगी हुई हो तभी आओ, घर में भी कितना टाइम बैठेंगे, थोड़ा बहुत तो घूमना चाहिए ना, अभी अलीबाग से होके आए थे मैं, अभी थोड़ा सोच रही थी बीच में भी थोड़ा चेंज होके आए, वहाँ पे मज़ा आ रहा है, थोड़ा होके आऊँगी मैं अलीबाग दोबारा जाऊँगी, मुझे बहुत मज़ा आया था वहाँ पे, बहुत एंजॉय करके आई, पर अभी मेरे सेकंड डोज भी हो जाए, मेरे दोनों वैक्सीनेशन के डोज हो जाए, उसके बाद कैसी है सब स्थिति, कैसी है कैसे है, सब नॉर्मल है क्या चल रहा है पता नहीं, तब तो जैसा होगा वैसा देखेंगे अब आगे चल के क्या हो रहा है, तो हाल फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है लॉकडाउन की, मेरे दोनों वैक्सीन पूरे हो जाए तो मैं भी भगवान करके सिचुएशन ऐसी हो मैं घूम पाऊँ, मैं जा सकूँ घूमने, तो अभी किधर भी जा ही नहीं पाएंगे जब तक मेरे सेकंड डोज ही कंप्लीट ना हुए हैं तब तक। और कल का वीडियो भी अभी पोस्ट होने वाला है, काजल जस्ट अभी 5-10 मिनट में पोस्ट करेगी, हो जाएगा वो भी कल वाला भी। तो अभी 9:45 बज चुके हैं, तो अभी अभी जस्ट हबी का खुद ही फ़ोन आया, जैसे मैं ब्लॉग में बोल के गई अभी जाके हबी से पूछती हूँ खाना क्या खाएंगे, तो इन्होंने खुद ही अभी फ़ोन कर लिया, तो बोल रहे टोस्ट,
जो ओनियन और टमाटो का मैं टोस्ट बनाती हूँ पाव का, वो टोस्ट ही बना कि तो समझ में नहीं आ रहा था। सब्जियाँ भी सब खलास थी आज एक्चुअली में, तो आफ्टरनून में फिर ऐसे ही बनाया, दाल और कुकी बनाया मैंने, क्यों तो आज इनको बहुत काम था। मैंने सुबह में भी बोला जाने दो, आप आज छोड़ दो, रात में ही लेके आना सब्जी, आफ्टरनून में थोड़ी दाल खा लेते ऐसे ही करते। तो अभी सब्जियां भी लेके आ रहे हैं, काजल ने सब लिस्ट लिख के दिए। फिर खाना भी पूछा मैंने, तो बोल रहे टोस्ट ही खाएंगे। अभी आफ्टरनून में भी कोकी वगैरह खाई है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या खाएं। तो ऐसा ही होता है ना, आफ्टरनून में मैं रोटी या कोकी कर लेती हूँ तो फिर रात में नहीं खाते। मैंने बोला दाल पड़ी नहीं तो उसको थोड़ा बनाऊं और आप साथ में टिक्की वगैरह लेके आते, रोटी बनाऊं, दोबारा रोटी खाएंगे। बोला नहीं, अच्छा रोटी के साथ कुछ और बनाऊं, बोलते नहीं रोटी अभी खानी ही नहीं मेरे को। वैसे सुबह में भी वो ऑमलेट का ही मैंने ब्रेड बनाया था, जो ऑमलेट में डिप करके मैं बनाती हूँ, तो वो भी इनको बहुत पसंद है। तो वो भी सुबह में इन्होंने ऐसा ही बोला था, ऑमलेट में डिप करके ब्रेड वो बना। तो सुबह में नाश्ता तो जल्दी बन गया था, उठी थी आज तो जल्दी उठी थी, आंटी के आने से पहले ही मैं उठी, थोड़ा यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर ली थी, कामकाज थोड़ा कर लिया था। फिर नाश्ते को तो जल्दी हो जाता है, ऑमलेट में ब्रेड जो बनाती हूँ वो तो फटाफट बन जाती है। फिर बोले पूरा दिन अच्छा खाया, अभी टोस्टर बना दे उसको। इनको ना टोस्टर भी ये ओनियन और टमाटो का ना बहुत पसंद आता है, हरा धनिया और सब डाल के बनाऊँ और फटाफट बन जाता है, टाइम भी नहीं लगेगा। तो खाली मैं ओनियन और टमाटो कट करके रखूँगी, ये आएंगे तो गर्म ही गर्म बना दूँगी टोस्ट, थोड़ा फ्रेश हो जाए ये भी, तो उसके बाद बना लूँगी गर्म, क्यों तो फिर वो ठंडा वो भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। पहले से ही हम लोग तो जो भी मैं आते हैं तो मैं गर्म ही बनाती हूँ। आफ्टरनून में भी आज इन्होंने बोला पहले मैं जल्दी आऊँगा 1:30 बजे, तो मैं 1:30 बजे खाना बना के बैठ गई। बाकी कोकी वगैरह का मैंने आटा नहीं गूंदना था, दाल बनाई थी, मैंने बोला आएंगे आप तो मैं कोकी का आटा गूंद के फिर कोकी बेल के पका लेती हूँ। तो इन्होंने बोला मैं 3 बजे फ्री हो जाऊँगा, लेट हो जाएगी मुझे। मैंने बोला ठीक है आप लेट आओ तो मैं बाद में ही बनाऊँगी, तो मैं भी थोड़ा लेट ही खाऊँगी। तो ये 3 बजे आए, उसके बाद मैंने फिर गर्मा गर्म कोकी बनाई इनके, इनको दिया, दाल तो बनी हुई थी वो मैंने दोबारा से गर्म की, फिर कोकी वगैरह बनाई, उसके बाद जाके सोई हूँ। तो अभी टाइम वेस्ट ना करके थोड़े से मैं अटेंसेस लगा लेती हूँ और ओनियन और टमाटो मैं कट कर ले रही हूँ, कि तो फिर कटिंग की होगी तो फटाफट से टोस्ट भी बनेगा। 2 मिनट लगते हैं टोस्ट बनने में, फटाफट बन जाता है। तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये कांच का भी धुल गया है एक, बाकी 3 ही थे तो 2 तो पहले ही धुल गए थे, बाकी एक ही रह गया था। तो 2 दिन में ठीक नहीं थी ना, तो ये मैंने खाली नहीं किया था फ्रिज का, भाई आंटी से धुला लूँ थोड़ा, जो तीनों मेरे ग्लास है वो साफ हो जाएंगे तो फ्रिज भी थोड़ी साफ लगेगी। बाकी का थोड़ा मैं ना फ्रिज थोड़ी अच्छे से ठीक लगेगा 1-2 दिन में, तो अंदर से थोड़ी ना पोंछ लूंगी। बाकी ये तो ग्लास वगैरह तो धुल गए, बाकी एक वेजिटेबल बास्केट है वो धुला लेनी है आंटी से, और बाकी जो ये सामान वगैरह लेके आए कल भी, बिस्कुट वगैरह सब लेके आए, हाल फिलहाल मैंने ओवन पे रखा है, मैं ठीक नहीं थी, काजल को भी बोला, मैंने बोला इधर रख, ड्राई फ्रूट वगैरह है मैं सब अंदर अरेंज करके फिर ऑर्गेनाइज करके सब रख दूंगी कल सुबह में थोड़ा बहुत। आज तो काफ़ी सारा काम किया है थोड़ा बहुत, बाकी थोड़ा सुबह में ऐसे टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, एक एक करके काम करो हो जाता है। और वो बैंगल्स और जो रिंग है वो मैंने अभी तक नहीं बना के रखी है, टेंशन नहीं है, एक बॉक्स में पड़ा है ना, तो बॉक्स में पड़ी है, टेंशन नहीं है। फिर सुबह में उठ के कल से वो भी मुझे अरेंज करना है। तो अभी भी निकल चुके हैं, मैं फटाफट से लगा लेती हूँ अटेंसेस भी, जैसे मेरा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, वैसे तो मैं एक्सपर्ट हूँ टाइम वेस्ट करने में। तो हो गया किचन भी क्लीन मेरा, बस ओनली अभी ओनियन और टमाटो काट के रखूंगी, आराम से फटाफट से टोस्ट बन जाएगा। आने दो इनको, पहले आए नहीं है इवनिंग से, तो फटाफट कट जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और मैंने अभी तक पिलो कवर चेंज नहीं किए हैं, तो 2 दिन ऐसा था ना तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था काम, आज मैं एक एक चीज़ देख रही हूँ, थोड़ा उठती हूँ ना बट ठीक हो गई ना, ऐसे 1-2 दिन ऐसा लगता है मुझे, फिर उसके बाद मैं बैठ के देखूँगी अभी ये काम मेरा रह गया ये काम रह गया, तो ये अभी मैं रात तक या सुबह तक ही चेंज कर दूँगी। तो आ चुके हैं हबी भी और वेजिटेबल्स भी यहाँ पे सब लेके आए हैं, जो जो चाहिए था
मैंने सब बोला दिसा and here is another mask for me sailor अच्छा और जो वेट मशीन है हमारी उसके भी बैटरी है ना जो वो भी खलास हो गई थी तो वो भी लेके आए उसके लिए बैटरी भी कभी से बोल रही थी मैं 2-3 दिन से मैंने वेट भी नहीं चेक किया है कितना है तो ये ना स्टोन लगे हुए हैं मास में पूरे तो मैं अभी ऐसे ही मास्क पहनूंगी या एन लिखा हो या ऐसे न्यू न्यू आ रहा है मेरे लिए लेके आ रहा है जो भी न्यू आ रहा है जैसे अभी स्टोन में पूरा है ये फैंसी में लग रहा है तो ये मैं अपनी न्यू मैसी पे भी पहनूंगी मस्त कहीं पे जाऊंगी ना कोई तो बुलाओ मुझे मैं पहनूं फिर ये मास्क भी पहनूं तो कलर खाली उसके जैसा होता था मैच हाँ इसमें कलर और कोई नहीं था क्या नहीं हाँ नहीं वो जो मैक्सी का कलर है ना क्रीम कलर टाइप में वैसे होना चाहिए था नहीं तो अगर ये मैक्सी पे मैच होता था ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाता था ऐसे मैं बोल देती हूँ अभी जैसे मैक्सी पे क्रीम है ना मैक्सी मेरी तो वैसे ही लाइट कलर का भी हो ये सब ब्लैक में ही आ रहा है पैटर्न वाले जो भी एन वाला है वो भी ब्लैक में है और ये स्टोन वाला भी ब्लैक में आ गया तो ये हाल फिलहाल एक ही लेके आए हैं तो इन्होंने मुझे पिक भेजा था तो मैंने देख लिया था स्टोन का मैंने बोला बहुत मस्त है मैं आपको शो करती हूँ खोल के तो अभी ये भी देखो ये भी फैशनेबल चाहिए मुझे मास्क भी ऐसे चाहिए जो फैशनेबल हो और मस्त लग रहा है ना पहन के देखती हूँ कैसे लगती हूँ घर में भी मास्क यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं मास्क नहीं पहने और मैं घर में भी ट्राई करके देख रही हूँ थोड़ा लूज है इसे टाइट करना पड़ेगा वो एडजस्टमेंट है यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट है तो ये टाइट हो जाएगा बहुत बढ़िया है तो अभी मैं जल्दी से ओनियन और टमाटो काट ले रही हूँ नहीं काटा है मैंने मैं भी बैठ गई थी आ जाएगी थोड़ी देर रेस्ट करेंगी ऐसा हो रहा है ना अभी ना बिल्कुल मुझे वीकनेस ही है थोड़ी ठीक हूँ तो भी वीकनेस ही थोड़ी लग रही है तो ऐसा थोड़ा काम करके ना बैठ रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर ऐसा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ
50.2 था ना लास्ट टाइम, याद नहीं है। हाँ मुझे याद है बेबी, 50.2 था, 50.5 हुआ है। वो 5 क्यों आए कि अभी बैठ के मैंने ड्राई फ्रूट खाया है। इतना थोड़ा नहीं पड़ता है। हाँ ऐसा होता है, पूरा दिन का खाया पिया है ना, इसके लिए 50.5 है, और ये सुबह तक 50.2 हो जाएगा वापस से। 50.5 यस, बड़ी घट जी, बढ़ गया ना, 50.2 था ना, तो मुझे लग रहा है 50.5 तभी हुआ है कि अभी अभी मैंने जस्ट अभी वॉलनट खाए हैं। तो गाइस अभी भी मैंने वॉलनट खाए ना, इसलिए ना मेरे 50.5 हो गया। अभी मैं ना मिल्क पीऊंगी ना, फिर 50.6 हो जाएगा। ऐसा आपको खिलाते ही रहे, खिलाते ही रहे, खिलाते ही रहे। ऐसा कर करके तुम लोग मेरा 60 वेट कर देंगे, फिर जो मैक्सी है ना वो पहन ही नहीं पाऊंगी, मेरे बजाय किसी और को पहननी पड़ेगी। एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं अच्छे से खाके पी के बैठू ना तो मेरा वेट ज्यादा दिखाता है, और जिस दिन मैं खाने पीने पे ध्यान ना दूं ना, कम खाऊं ना, उस दिन कम दिखाता है वेट। ऐसा कैसे होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मुझे 52 तक वापस करना है, 52 थोड़ा ठीक लग रहा था मुझे। ऐसा मैं खुद को अभी व्लॉग में देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत स्लिम लग रही हूँ, फेस बहुत छोटा छोटा लग रहा है, ऐसे पतली लग रही हूँ ऐसा लगता है मुझे, तो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो 52 तक चलेगा, मैं करूँगी वेट बढ़ाऊँगी 52 तक। ये ज़्यादा पतला लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं ज़्यादा पतली लग रही हूँ, तो 52 होना चाहिए, ठीक है 52 में, इतना तक तो मैं मैक्सी में जा पाऊंगी। 52 मैं इतना 52 तक लिमिट क्यों रख रही हूँ, अगर 52 से थोड़ा भी पॉइंट मेरा बढ़ा ना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, क्यों तुम्हें मुझे पता है मैं मैक्सी में नहीं जाऊंगी। और ये अभी इसकी तो ना मुझे ये क्वेश्चन की, मुझे कल से हैबिट पड़ गई है, ये वहां से बेडरूम में पड़ा है, मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अपने लिए, और यहाँ पे ही लेके बैठ रही हूँ पूरा दिन, मोबाइल भी चला रही हूँ ना इसके ऊपर रख के, ऐसे पूरा दिन बैठी रहती हूँ पूरा दिन ऐसे, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी हैबिट पड़ गई है अभी मुझे। तो गाइस मैं अपनी बकवास यहीं तक बंद करके आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, हैप्पी एंडिंग, आज मुझे कोई इशू नहीं, भगवान की दया से ठीक हूँ आज मैं, फीलिंग बेटर, फीलिंग मच 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 बेटर टुडे एंड फीलिंग हैप्पी। मैं इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन ना आ जाएगा टिच करके। और इस व्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करना जरूर भूलना, नो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।